हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। सर आज का टॉपिक है ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। आज की वीडियो में हम लोग ड्यूपॉन्ट एनालिसिस क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है, और 3 पॉइंट ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यार ये 5 पॉइंट के लिए नहीं है, 5 पॉइंट ड्यूपॉन्ट एनालिसिस मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो जल्दी बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। बाकी यार ड्यूपॉन्ट एनालिसिस पूरा समझो इस वीडियो में और चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं भाई कि ड्यूपॉन्ट एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस क्या है? ड्यूपॉन्ट एनालिसिस है कि यार ड्यूपॉन्ट एनालिसिस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे कि आप रिटर्न ऑन इक्विटी को प्रॉपरली मेजर कर पाते हो, ठीक है। सिंपल सी भाषा में यही है भाई। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हो गया यार, कि अगर आपको एक कंपनी में पैसे लगाने हैं या एक कंपनी चल रही है तो क्या वो सही से जो ग्रोथ दिख रहा है, क्या वो कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है या डिक्लाइन की तरफ जा रही है। क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी नॉर्मली देख करके तो अगर बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स आप देखोगे कि हाँ चलो ठीक है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है, या फिर सही जा रही है कंपनी, सही आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को सही रिटर्न मिल रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में ड्यूपॉन्ट एनालिसिस का एक अलग तरीका दिखाता है, एक अलग नजरिया दिखाता है कि भाई देखो रेट ऑन इक्विटी को आप इसी चीजों के बेसिस पे जज कर सकते हो। खाली रेट ऑन इक्विटी को ऐसे देख करके आप नहीं बता सकते हो कि कंपनी सही में ऊपर बढ़ रही है, हो सके नीचे भी जा रही हो, ठीक है। तो ये ड्यूपॉन्ट एनालिसिस आपको बताता है। तो यार ड्यूपॉन्ट क्यों नाम पड़ा ये भी बात कर लेते हैं। 1920s की बात है, ड्यूपॉन्ट इनकॉर्पोरेशन, ड्यूपॉन्ट कंपनी जो एक केमिकल कंपनी है, ठीक है, केमिकल्स बनाती है, तो उसने इस चीज को अपने सबसे पहले फ्रेमवर्क में लेकर आए थे अपने लिए, अपने मॉडल के लिए, और उसके बाद से इसको सामाजिक किया गया है, इसलिए हम लोग ड्यूपॉन्ट एनालिसिस को कहते हैं, ठीक है। तो भाई अब चलो समझते हैं सबसे पहले कि भाई ड्यूपॉन्ट एनालिसिस क्या कैसे आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये ड्यूपॉन्ट एनालिसिस का फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी का, जो कि नेट इनकम बाय रेवेन्यू इनटू रेवेन्यू बाय एवरेज टोटल एसेट्स इनटू एवरेज टोटल एसेट्स बाय एवरेज टोटल इक्विटी। तो यार अगर आप रेवेन्यू काटोगे, एवरेज टोटल एसेट्स, एवरेज टोटल एसेट्स काट दोगे तो नेट इनकम बाय एवरेज टोटल इक्विटी बैठता है, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है। लेकिन ड्यूपॉन्ट एनालिसिस इसको 3 भाग में अलग अलग बांट देता है, जो कि आपके रिटर्न ऑन इक्विटी को थोड़ा ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें भाई कि ये क्या है, नेट इनकम बाय रेवेन्यू क्या हो गया। नेट इनकम बाय रेवेन्यू कहते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन को, ठीक है। हमारा जो एनपीएम होता है, यानी कि जो हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन है, उसको हम लोग, उसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम बाय रेवेन्यू, ठीक है। तो यानी कि आपका जो नेट इनकम बैठा, जो आपका एकदम कट कुटा के आपके जो हाथ में आया भाई ओवरऑल रेवेन्यू, आप उससे अगर डिवाइड करोगे तो आपको आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन पता चल पाता है, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ रहा हो तो यानी क्या बात है, यानी कि अच्छी बात है, ठीक है। ये अगर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा हो तो वो चीज अच्छी मानी जाती है, ठीक है। लेकिन घट रही हो तो ऑफकोर्स ही बात है आपको ऐसी कंपनीज में दूर रहना चाहिए, या फिर वो रिस्कियर होते जा रहा है। अगर उसका स्टॉक्स आपके पास है, अगर उसकी इक्विटीज आपके हाथ में, तो वो आपके लिए रिस्की है, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स घट रहे हैं आपके उस कंपनी के, ठीक है। लेकिन आप अगर ओवरऑल समझोगे, ठीक है, अगर इसको हम लोग डिवाइड नहीं करें और ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है वो समझ लेते हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप ओवरऑल देख रहे हो तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आपका फॉर्मूला सिंपल आपको बता रहा है कि भाई नेट इनकम डिवाइडेड बाई आपका एवरेज टोटल इक्विटी जो है आपका, ठीक है, या फिर आप समझ के चलो शेयर होल्डर्स इक्विटी जो बंदे के पास है जितना, ठीक है, आप वो अगर डिवाइड करते हो तो आपके पास आ जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा होता है तो आप अच्छा मानते हो, घट रहा होता है तो आप उसे बुरा मानते हो, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला लिखा जा सकता है, लेकिन पॉइंट ये है भाई कि आपका जो आप एक तरीके से समझ लो जो नेट इनकम है, नेट इनकम तब भी बढ़ सकता है अगर आपने एक कंपनी ने लोन लिया, ठीक है, उसने लिवरेज ज्यादा किया एंड अपने एसेट्स को गिरवी रख करके उसने क्या किया, उसने अपनी इनकम बढ़ा दी, ठीक है, तो उससे भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा रिटर्न ऑन इक्विटी। असल में आप अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे बढ़ता हुआ तो आप समझोगे भाई ये तो बहुत प्रॉफिटेबल है, या तो ये तो स्टॉक लेना ही चाहिए, ठीक है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन असल में क्या है भाई, असल में कंपनी ने डेट लिया है, असल में कंपनी ने गिरवी रखा है अपना एसेट, ठीक है, तो वो एक्चुअली में रिस्कियर होते जा रहा है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल ऊपर से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी देख करके, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको डीप डाइव करते हो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के थ्रू तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, जो आपका एवरेज टोटल एसेट्स है वो आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई कम हो रहा है, घट रहा है, उसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ रही है, जो कि एक रिस्कियर चीज है, गलत चीज है, सही चीज नहीं है आपके एक एसेट्स को दिखाने के लिए, इक्विटीज को दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका रिटर्न ऑन इक्विटी को हम लोग ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के थ्रू देखते हैं। अगर आप उसके थ्रू नहीं देखोगे तो ये आपका डिसएडवांटेज है रिटर्न ऑन इक्विटी जनरल ऐसे ही देखने का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड की तरफ, जो कि आता है आपका रेवेन्यू डिवाइडेड बाई एवरेज टोटल एसेट, जो कि होता है आपका एसेट्स टर्नओवर,
तो यार अगर आप अपने रेवेन्यू को डिवाइडेड बाई अपना एवरेज टोटल एसेट्स करोगे तो आपका रेशियो पता चल पाता है कि भाई कि आपका एवरेज टर्नओवर रेशियो क्या है, एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या है। ठीक है कि आप मान के चलो आप रेवेन्यू आपने किया 100 रुपए का और आपका जो एवरेज टोटल एसेट्स है वो उसमें 50 रुपए के, तो यानी कि 2:1 का आपका ऐसे आपका एसेट्स टर्नओवर रेशियो है। ठीक है अब आपको कोशिश ये करनी होती है एज अ कंपनी, एज अ स्टॉक होल्डर, एज अ इक्विटी होल्डर, कि आप देखो कि आपका एवरेज टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, मैं बार बार एवरेज टर्नओवर बोल रहा हूँ, एसेट टर्नओवर रेशियो बढ़ रहा हो। ठीक है आपका हमेशा रेवेन्यू बढ़ते रहना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ योर एसेट्स। ठीक है एवरेज जो भी एसेट्स है आपके पास उसके कंपैरिजन में आपके पास रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। अगर आपका एसेट्स कल को 100 हो जाए तो आपका रेवेन्यू 300-400 होना चाहिए, दैट इज अ गुड रेशियो। ठीक है आप उल्टा पता चला आपके पास आपका रेवेन्यू मान के चलो घट रहा है धीरे धीरे और एसेट्स भी घट रहे हैं, तो देन दैट इज नॉट अ गुड केस। ठीक है वो चीज में भी आपको देखना पड़ता है, ये यही चीज एक्चुअली डुपॉन्ट एनालिसिस समझाता है। और लास्ट होता है आपका एवरेज टोटल एसेट्स बाय एवरेज टोटल इक्विटी, जो कि आपका फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो दिखाता है कि आप एज अ कंपनी कंपनी कितना गिरवी अपना कर्ज ले रही है, कितना गिरवी रख रही है मे बी एसेट्स, और उस एक तरीके से कह लो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए या फिर अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, अपने नॉर्मल डे टू डे फंक्शंस को रनिंग रखने के लिए। ठीक है तो ये लेवरेज रेशियो दिखाता है आपका। ठीक है तो ये चीज है आपका टोटल डुपॉन्ट एनालिसिस। लेकिन डुपॉन्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो डुपॉन्ट एनालिसिस कहता है कि टोटल इसी चीज को मिला करके भाई कि नेट इनकम बाय रेवेन्यू इनटू बाय टोटल एसेट्स इनटू टोटल एसेट्स बाय शेयरहोल्डर्स इक्विटी, सिंपल सी बात है। तो आपको फॉर्मूला एक ही निकल के आता है कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयरहोल्डर्स इक्विटी, आपका फॉर्मूला रिटर्न ऑन इक्विटी के डुपॉन्ट एनालिसिस का। लेकिन उस चीज तीनों को लिखा जाता है ताकि आप एज एन ओवरऑल शेयर होल्डर, इक्विटी होल्डर या इन्वेस्टर आप पता कर पाओ कि भाई क्या प्रॉपर क्या मेजर है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, कि मतलब आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा या घटा, आपका एसेट टर्नओवर रेशियो क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आपका लेवरेज क्या हो रहा है। ठीक है कि क्या कंपनी ज्यादा अपना लेवरेज कर रही है, ज्यादा उधार पे पैसे उठा रही है, अपने एसेट्स को घटा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस चीज को आप प्रॉपरली देख पाते हो, वो इंडिकेशन आपको पता चल पाता है एंड उसके हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स आगे डिसाइड कर पाते हो कि हाँ यार ये स्टॉक रिस्कियर है या फिर आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। तो ये डू पॉइंट का 3 पॉइंट एनालिसिस है यार। अगर आप 5 पॉइंट एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊंगा। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई हो तो यार लाइक शेयर करना जरूर करें। नहीं समझ में आई हो, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ दिक्कत रह गई हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम लिंक्डइन का भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां भी आकर के मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो यार मिलते हैं तब तक के लिए ऐसी और कोई इंटरेस्टिंग सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।